इतना टाइम हो गया क्या देख के? हाँ, चेंज हो गया, पतला हो गया। हाँ भाई, चलो फिर ठीक है। नाइस जैकेट है भाई, थैंक यू भाई। नया सीजन आ रहा है, क्या बोलोगे? बहुत बहुत एक्साइटेड है, एंड मेरा तो तीसरा सीजन होने वाला है यहाँ पर। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इतने सारे लोग जो आगे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर, उनको ये मौका मिलता है कि अपना टैलेंट दिखाएं, एंटरटेनमेंट हो, गेमिंग हो, सब कुछ दिखाएं, वो बेस्ट पार्ट है। एंड आज भी हम लोगों ने जैसे काफ़ी लोग का ऑडिशन लिया, बहुत मज़ा आया। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट टाइम। इस बार मुनव्वर भाई भी, उनका क्या? मुनव्वर भाई से मैं पहली बार मिला आज, आज नहीं मतलब इस शो के वजह से पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। एंड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ टफ कॉम्पिटिटर, बिकॉज उनका भी एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने पहले के तीन जो सीजन्स थे उस पर ध्यान दिया है। अच्छा, लास्ट टाइम का कुछ अलग होने वाला है इस बार कुछ? मेरे ख्याल से इस बार अलग एज सच कुछ नहीं होगा, बट इट्स मोर लाइक जो घर के अंदर जितना एंटरटेनमेंट हो रहा था, जितना ड्रामा हो रहा था, वो इस बार और ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने जो लोग सिलेक्ट किए हैं वो बहुत तगड़े हैं। ऑन एयर कब से आ रहा है? 29 तारीख। लेकिन बिग बॉस 18 भी आ रहा है, आपको लगता है कुछ कॉम्पिटिशन होगा? इस बारे में मेरे को कुछ नहीं बोलना। भाई क्या बोलना चाहोगे स्क्रीन पे जो बाय मिस्टेक रिवील हो गया था, वो मोमेंट कैसा था? यार मतलब दिल दहल गया था उसके बाद, मेरा जब वो स्ट्रीम पे लीक हुआ था, मैंने बात किया बाद में, तो चलो अब क्या कर सकते हैं, अगर कुछ हो गया तो उसको रोक नहीं सकते। ठीक है भाई, खोखला इंसान आएंगे? नहीं अभी तक तो नहीं है कुछ ऐसा। हेलवेज भाई? हेलवेज भाई तो है ही, हेलवेज मुनव्वर है इस बार, खोखला भाई आएंगे? नहीं, वो नहीं पता मुझे, अब आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता। और कोई नाम? कैरी भाई, वेट करो ये सब चीज़ों का, देखते रहो प्लेग्राउंड। कंटेस्टेंट लोग कैसे? बहुत तगड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत मजाकिया हैं। जब घर में जाएंगे हम लोगों ने तो ऐसा सिलेक्ट किया है कि ये लोग तो फुल ऑन। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग ने खाया? चलो थैंक यू।